हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल प्रश्न का। ठीक है, जो मॉडल सेट निकला हुआ है उसमें आपका 5 सेट है और इसमें आपका 7 सेट है। आपको सारा सेट का मैथ का सलूशन हम यहां देने वाले हैं, लेकिन तब देंगे जब आप बोलिएगा। फिलहाल डेमो के लिए हम एक दो प्रश्न बनाएंगे, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि एक सेट में 40 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम 28-30 मिनट्स लग ही जाएगा, और उतना मिनट लग जाएगा तो सिंपल सा भाषा में अगर आपको बोले तो उतना बड़ा वीडियो हम अभी तक अपलोड नहीं किए अपने चैनल। लेकिन अगर आपका रहेगा आदेश तो हम उतना मिनट वीडियो का अपलोड करेंगे, पूरा सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट सेट नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है 120 का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 120 को फैक्टर करना है गुणनखंड। तो 2 से 16, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15 और फिर 2 से ये हो गया आपका नहीं जाएगा 3 से 3 5 जा 15, फिर 5 से ये तो ये फैक्टर यानी कि 2 × 2 × 2 × 3 × 5 ये ऑप्शन है कि नहीं से देख लेते हैं। देखिए वन नंबर में ही है ये ऑप्शन, ठीक है, वन नंबर में ही है तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, ये वन नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना, बिल्कुल इजी ढंग से, बस फैक्टराइज तो ही करना है भैया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट भी करना चाहते तो कर सकते हैं, ऐसे तो ये तो आपको आता ही होगा। चलिए अब प्रश्न 2, प्रश्न 2 में आपका दिया हुआ है 306 एंड 657। इसका HCF आपका नैन दिया हुआ है, एलसीएम पूछा है आपसे, ठीक है, सॉरी एलसीएम आपसे पूछा है क्या होगा। तो सबसे पहले ये दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 306 × 657, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं 657 306, 67 जा 42 का 2, 65 जा 30 34, 66 जा 36 यानी 39 कट गया, 1000, ठीक है, फिन कट गया, 37 जा 21, 35 जा 15 और 35 जा 15 17 का 7, 36 जा 18 19, सो 2 4 9 1 10 10 का 0 11, 2 ठीक है, सॉरी 0 2, तो ये आपका आ गया 2 0 1 0 4 2, ये आ गया। अब ये नंबर आ गया तो HCF आपका 9 दिया हुआ था, सो डिवाइडेड बाय 9, सो 9 से आप डिवाइड कर देते हैं। चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं क्या है, 201042 डिवाइडेड बाय 9 9 2 18, सो 2 1 9 2 18, 30 9 3 27 3 9 3 27, 14 7 टू 9 8 72 72, सो कितना 2 2 3 3 8 2 2 3 3 8, ये आपका आंसर हो गया, यानी ये ही आपका आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं, 2 2 3 3 8 है, यानी ऑप्शन नंबर बी ये हो गया आपका, ये बी में दिया हुआ है, आपका बी सही हो गया, समझ गए, बिल्कुल इजी ढंग से।
है, आप राइड करना चाहते हैं तो राइड भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोलता है 15 और 25 का एचसीएल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड 15 एंड 25 का एचसीएल पूछ रहा है, एचसीएल क्या होगा? तो वेरी सिंपल है, 25 और 15 का एचसीएल। ठीक है, तो देखिए ना, 15 25 3 5 जा 15, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, देखिए 1 2, यानी इसका आंसर 5 होगा क्योंकि जोड़ा वही लगा। ठीक है, जब 5 होगा, देखिए ऑप्शन है, हाँ 5 है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर भी हम देख लेते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर हम आप 5 बना रहे हैं। ठीक है, √2 और एंड 1/3। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है इसे सुनिए। क्वेश्चन बोलता है द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। ठीक है, तो आप द्विघात बहुपद क्या होगा? तो सिंपल सा ax² प्लस bx प्लस c होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2/3 इज इक्वल टू -b/c, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सो अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू c/a, c/a, यहां भी a होगा, -b/a, सॉरी। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए आपका a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3, b इज इक्वल टू क्या हो गया -3√2, c इज इक्वल टू क्या हो गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा, चलिए थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, आंसर हो जाएगा a के जगह 3 लिखाएगा तो 3x² प्लस b के जगह माइनस है, सो माइनस हो जाएगा -3√2x प्लस c के जगह क्या है 1, सो 1 लिखाएगा आंसर। बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में आपका। अब ये देखिए कि ये ऑप्शन में है कि नहीं, तो है, कितना नंबर ऑप्शन में है, तो बी नंबर, तो ये बी नंबर का सोल्यूशन हो गया बिल्कुल इजी ढंग से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, आपको सारा सोल्यूशन हम बना के दिखलाएंगे जो भी सेट में आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, फिलहाल के लिए जय हिंद।